राम राम दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो कल एक भाई का कमेंट आया था कि भाई ऐसा क्या खाते हो जो इतनी मेहनत कर लेते हो और शरीर में दर्द नहीं होता, जो इतनी मेहनत कर लेते हो दर्द होता नहीं है। तो ये वीडियो उन्हीं भाई के लिए है। भाई दर्द होता है, दर्द क्यों नहीं होता? मशीन नहीं है, इंसान है, दर्द सबको होता है, तो हमको भी होता है ना। अंदर इंजन फिट है, चलता रहेगा, डीजल डाल दिया चला लो। तो बता दें दर्द होता है। और दूसरी चीज, खाते क्या हो? खाते के लिए मैंने अभी एक दिन कुछ दिन पहले एक अपने YouTube चैनल जिद्दी पहलवान पे वीडियो डाला था डाइट प्लान का। सर्दियों में डाइट क्या लेनी चाहिए और क्या हम खा रहे हैं वो बताया था मैंने। सेब केला जूस है, दूध केला है और बादाम है, सब्जी मिला के घी है, जो दुनिया खाती है वो हम खाते हैं। थोड़ा हम ज़्यादा खाते हैं, मेहनत करते हैं। तो और रही बात दर्द की, तो दर्द जब तक होता है जब तक हम अखाड़े के अंदर या मेहनत स्टार्ट नहीं किया। मैंने दुकान बैठे हैं दर्द हो रहा है, यहाँ आए हैं दर्द हो रहा है, जब तक मेहनत करना स्टार्ट नहीं हुए तब तक। एक बार जब मेहनत करना स्टार्ट होते हैं फिर दर्द नहीं होता। फिर एक घंटे डेढ़ घंटे या दो घंटे जितनी देर मेहनत करेंगे उतनी देर दिमाग में सिर्फ ये रहेगा कि मेहनत बढ़ाओ, अभी 10 करें तो 20 कैसे होंगी, सिर्फ ये रहता है। दर्द का जो नाम निशान है तब नहीं होता। जब तक मेहनत करते हैं तब तक दर्द नहीं होता, दर्द उसके पहले होता है। दूसरा खाते क्या हो? यही खाते बताया जो हमने आपको भी, सेब केला जूस फल फ्रूट है या दूध है बादाम है, तब यही खाते हैं। दुनिया खाते हैं तो हम खाते हैं। और तीसरा मेन कार्ड जो है, तीसरा जो मेन कार्ड है दर्द ना होने का या शरीर ग्रो होने का या क्षमता बढ़ने का, वो है ब्रह्मचर्य। अगर आप अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर ताकत आएगी, दिमाग एक जगह रहेगा स्थिर उसी काम पे, जो आप लक्ष्य भेजना चाहते हैं कि आज हमें यहाँ से 10 मीटर दौड़ते हुए जाना है, आज नहीं जाना है, हमें 10 दिन बाद जाना है कि हमें यहाँ से हदरों के या जालौन या कहीं भी दौड़ते हुए जाना है, तो उसके लिए आपने टारगेट फिक्स कर दिया कि वहाँ तक जाना है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन कर रहे हैं तो आप जल्दी चले जाएंगे। वैसे 10 दिन में जाएंगे तो 5 दिन में ही आप धीमे धीमे क्षमता बढ़ जाएगी और पहुँच जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य में वो ताकत होती है वो किसी में ताकत नहीं होती है। सेब केला जूस फल फ्रूट मांस मछली किसी में कुछ नहीं होता जो ब्रह्मचर्य में ताकत होती है। तो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपनी शक्ति बढ़ाएं। तो कमेंट करके बताना बॉडी बन रही है कि नहीं बन रही है, शरीर ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। और दोस्तों मेहनत करें, फिट रहें, स्वस्थ रहें। काट लो।